तिल का लड्डू है, उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा। 250 ग्राम तिल है तो 250 ग्राम गुड़ भी लेंगे, जगरी भी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, रोस्ट कर लेंगे। और चने का रोस्टेड दाल मिलता है बाज़ार में, उसको भी ले लेंगे। थोड़ा हल्का ही उसको रोस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो रोस्टेड रहता है थोड़ा। और सिंगदाने को भी करेंगे, आप चाहे तो काजू भी ले सकते हैं और इलायची भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, ऐसे भी सादा भी अच्छा लगता है। और ये ठंडी में बहुत यूज होता है, मकर संक्रांति में तो इसकी काफ़ी उपयोगिता है। तो मैं पहले वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा लेट हो गया, तबीयत थोड़ी डाउन थी मेरी। और सेंगदाने को भी रोस्टेड कर ले, देसी बादाम इसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसको सेंगदाना बोलते हैं। तो इसको रोस्ट अच्छे से कर लेंगे, धीरे धीरे धीमी आंच पे कर लेंगे, सबको रोस्ट कर लेंगे। तिल को भी रोस्ट कर लेंगे, चने का जो रोस्टेड था ऑलरेडी वो थोड़ा हल्के ही करेंगे, उसको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। इस तरह से सबको रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे। सिंगदाने को जो देसी बादाम है जो रोस्टेड था उसको थोड़ा मिक्सी में पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे, दरदरा ही पीसेंगे। और चने का भी थोड़ा ही, रोस्टेड चना था उसको भी थोड़ा ही हल्का ही दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा आटे की तरह पीसने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। अब घी लेंगे और घी को पैन में डालेंगे, जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल देंगे। 250 ग्राम तिल था तो 250 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं, चिक्की का गुड़ रहे तो और भी अच्छा है, उससे टेस्ट अच्छा आता है और अच्छा पकड़ता है वो लड्डू को, लड्डू बनने में अच्छा हेल्प मिलता है उससे। तो मैं ज़्यादा उस चिक्की के गुड़ को ज़्यादा उबालती नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत चिपचिप हो जाता है, ज़्यादा होता है तो फिर वो दांत से टूटने में नहीं होता है, तो मैं उसको थोड़ा ही कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं गुड़ को पकाती हूँ। और फिर वो जो भी था इंग्रेडिएंट्स, हमारा तिल था और सिंगदाना था, चना था, सबको मिला दिया। आप चाहे तो इलायची काजू भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, सादा भी बना सकते हैं आप, कैसे भी बनाएं ये बहुत अच्छा लगता है। संक्रांति के दिन इसको खासकर उपयोग होता है, इसका पूजा भी की जाती है इसके साथ, तो काफ़ी लाभदायक भी है हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। तो मेरा लड्डू कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। ये मैं वीडियो पहले ही डालने वाली थी पर तबीयत थोड़ी डाउन हो गई तो मैं डाल नहीं पाई, मैं संक्रांति के बाद ही डाल रही हूँ, पर कोई बात नहीं, आप मेरे तिल के लड्डू को ऐसे वीडियो देखिए और खाइए भी, आनंद भी लीजिए और मीठे मीठे हो जाइए तिल गुड़ के साथ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरा तिल का लड्डू तैयार हो गया, खाइए आप।